दोस्तों, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जिसे दुनिया से कटे हुए और अपने तानाशाही शासन के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग हर दिन अपनी जिंदगी किस तरह जीते हैं, इस बात को जानना आपके लिए दिलचस्प और चौंकाने वाला हो सकता है। यहाँ के जीवन की सच्चाई जानने के लिए हमें वहाँ की कठोर और अप्रत्याशित व्यवस्थाओं को समझना होगा। कोरिया में रोजमर्रा की जिंदगी बहुत कठिन होती है। यहाँ के लोग हमेशा सरकार की निगरानी में रहते हैं। हर एक नागरिक को सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है और यदि कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कठोर सजा का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 2021 में एक 17 साल के लड़के को सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि उसने दक्षिण कोरियाई पॉप म्यूजिक सुना था। उस लड़के को सरेआम गोली मार दी गई और उसकी माँ को भी मजबूर किया गया कि वह तालियां बजाए। उत्तर कोरिया में भागने की कोशिश करना भी एक बड़ा अपराध माना जाता है। 2017 में एक महिला अपने बेटे के साथ चीन की सीमा तक पहुंच गई थी, लेकिन चीन की अथॉरिटी ने उसे वापस उत्तर कोरियाई सोल्जर्स को सौंप दिया, जहां उसे यातना और अंततः मौत की सजा दी गई। यहां की खबरें बाहर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो खबरें बाहर आती हैं वे दिल दहला देने वाली होती हैं। उत्तर कोरिया में किशोरों को भी मौत की सजा दी जाती है अगर वे विदेशी म्यूजिक सुनते हैं या फिल्में देखते हैं। यहाँ के नेता किम जोंग उनके मुताबिक विदेशी म्यूजिक और फिल्में उनके समाज के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए यहाँ के लोग हमेशा डर में जीते हैं। यहाँ के लोग अपने नेताओं को भगवान की तरह पूजते हैं, उन्हें उनके फोटो का भी सम्मान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 2020 में एक महिला के घर में आग लग गई थी। उसने अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों को बचाया, लेकिन उसके खिलाफ मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाया गया क्योंकि उसने अपने घर में लगी किम जोंग उनकी फोटो को नहीं बचाया। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि यूनेस्को के मुताबिक उत्तर कोरिया का लिटरेसी रेट 100% है। यहाँ की पूरी आबादी पढ़ी लिखी है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली सरकार द्वारा पूरी तरह से फंडेड है और इसे बच्चों को ब्रेन वॉश करने के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चों को झूठी इतिहास पढ़ाई जाती है और उन्हें सिखाया जाता है कि उनके नेता भगवान के अवतार हैं। यहाँ के छात्र जब बड़े होते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से मिलिट्री में सेवा करनी पड़ती है। यहाँ की लड़कियों को भी 23 साल की उम्र तक मिलिट्री में सेवा करनी पड़ती है। कुछ लड़कियों को प्लेजर स्क्वाड में भी भेजा जाता है, जिनका काम केवल किम जोंग उन और उनके टॉप अधिकारियों को खुश करना होता है। यहाँ की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कमाती हैं, लेकिन उनकी आय अधिकतर अवैध कामों से होती है। यहाँ के पुरुषों के लिए सबसे अच्छी नौकरी मिलिट्री में स्थायी सैनिक बनने या फिर किसी सरकारी पोस्ट पर काम करने की होती है। उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि वे पूरे महीने का राशन भी नहीं खरीद पाते। यहाँ के लोग बहुत कठिनाइयों में जीते हैं। उन्हें दिन में 12 घंटे या उससे ज्यादा काम करना पड़ता है। उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और खाने पीने की चीजें भी बहुत महंगी होती हैं। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी का अधिकांश समय भूख और कुपोषण में बिताते हैं। उत्तर कोरिया के जेल कैंप्स की स्थिति और भी बुरी है। यहाँ के प्रिजनर्स को दिन में 16 घंटे काम करना पड़ता है और उन्हें बहुत कम खाना मिलता है। यहाँ की महिलाओं और बच्चों के साथ शारीरिक और मानसिक यातनाएं बहुत आम हैं। उत्तर कोरिया के लोगों की जिंदगी इतनी कठिन होती है कि ज्यादातर लोग डिप्रेशन और ट्रामा से गुजरते हैं। यहाँ के लोग अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को भूख और यातना से मरते हुए देखते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग केवल वही जानते हैं जो सरकार उन्हें बताती है। यहाँ का मीडिया पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है। कोरियाई नागरिकों को बाहरी दुनिया की खबरें जानने का कोई मौका नहीं मिलता। उन्हें इंटरनेट तक भी पहुंच नहीं है और उनके पास जो भी जानकारी होती है वह सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। उत्तर कोरिया में यात्रा करना भी बहुत कठिन है। यहाँ के लोग बिना सरकारी अनुमति के अपने शहर से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि शादी करने और बच्चों को जन्म देने के लिए भी सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। यहाँ के लोग दिन प्रतिदिन की जिंदगी में अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। यहाँ पर मानवाधिकारों का बहुत ही कम महत्व है। किसी भी प्रकार का विरोध या असहमति सरकार द्वारा सख्ती से दबा दिया जाता है।
यहाँ के लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी सरकार के डर में जीते हैं। उन्हें हमेशा यह डर रहता है कि कहीं उनके किसी शब्द या क्रिया से सरकार नाराज न हो जाए। इसके बावजूद उत्तर कोरिया के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश करते हैं। वे त्योहारों और समारोहों को मनाने का प्रयास करते हैं, हालांकि ये सभी गतिविधियां भी सरकार की निगरानी में होती हैं। उत्तर कोरिया के लोग अपने दैनिक जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। सरकार द्वारा प्रदान की गई सीमित संसाधनों के बावजूद वे अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। यहाँ के लोग अक्सर खेती और छोटे व्यवसायों में लगे होते हैं, ताकि वे अपने परिवार की जीविका चला सके। सरकार की सख्त निगरानी के बावजूद कुछ लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का प्रयास करते हैं। वे छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हैं, जैसे कि परिवार के साथ खाने का समय बिताना या बच्चों के साथ खेलना। उत्तर कोरिया में स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत सीमित हैं। यहाँ के अस्पतालों में अक्सर दवाइयों और आधुनिक उपकरणों की कमी होती है। इसके बावजूद लोग अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए पारंपरिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं। उत्तर कोरिया में खाद्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए खेती पर निर्भर होते हैं। हालांकि सरकार की नीतियों के कारण उन्हें अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। इस कारण वे अक्सर खाद्य संकट का सामना करते हैं। उत्तर कोरिया की महिलाओं की स्थिति भी बहुत कठिन है। उन्हें घरेलू कार्यों के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भी भाग लेना पड़ता है। कई महिलाएं बाजारों में छोटे व्यवसाय चलाती हैं, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। यहाँ की शिक्षा प्रणाली भी सरकार के नियंत्रण में है। बच्चों को छोटे उम्र से ही सरकार की विचारधारा के अनुसार शिक्षा दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि उनके नेता भगवान के समान हैं और उन्हें उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके अलावा उत्तर कोरिया में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ के लोग अपने धार्मिक विश्वासों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। अगर किसी को धार्मिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह था उत्तर कोरिया की रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक। यह एक ऐसा देश है जहां लोग हर दिन बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं और सरकार की कड़ी निगरानी में रहते हैं। उनकी जिंदगी के बारे में जानकर हमें अपनी आजादी और सुविधाओं की कीमत समझ में आती है। बाकी दोस्तों, आपका इन सब चीजों पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलती है और बेहतरीन विषयों पर वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो